हेलो एवरीबॉडी, आज संडे के दिन मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ नई पहेलियां लेकर आई हूं। और इस बार वाली पहेलियां घुमावदार चक्करदार पहेलियां हैं, तो आप सभी ध्यान से सुनेंगे और इनका जवाब फटाफट देंगे हमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर, साथ लिए 32 सिपाही, मन आए तब करे चढ़ाई, पास आ गया इसके जो भी, समझो उसकी आफत आई। साथ में 32 सिपाही लिए वो रहता है, मन जब करता है तभी वह चढ़ाई करता है, पास आ गया इसके मतलब जो भी इसके पास आ जाता है, समझो उसको आफत आई, माने मुसीबत उसके साथ आई। दूसरा नंबर है, अंत कटे तो दूसरा बन जाती, चाय व सब्जी का स्वाद बढ़ाती। एक ऐसा चीज़ है जिसका अंत कटता है तो वह दूसरा बन जाती है और चाय व सब्जी का स्वाद भी बढ़ाती है। चलिए अब तीसरा नंबर, हरा भरा है मेरा अंग, रहता हूँ डिब्बी में बंद। हरा भरा है मेरा अंग, रहता हूँ डिब्बी में बंद, डिब्बी खोलना सरल है काम, बताओ बच्चों मेरा नाम। डिब्बी खोलना काम बहुत ही आसान है और उसका नाम आपको बताना है। चौथी पहेली, मीठा हूँ सब करे पसंद, मैं बहुत ही मीठा हूँ और उसे बहुत सब पसंद करते। मोटी दीवारों में बंद, मोटी दीवार में बंद रहता हूँ। मेरा पेड़ बहुत है फलता, बहुत ज़्यादा फलता है लेकिन कभी नहीं है जलता, लेकिन यह जलता नहीं है। पांचवी पहेली, तीन अक्षर के इस राज्य वृक्ष को, तीन अक्षर का कोई राज्य वृक्ष है, ये भी सुन लीजिए, सभी ने है पवित्र माना, इसको सभी ने पवित्र माना है। प्रथम कटे समय, मध्य कटे फल, अंत कटे मवाद बन जाना। अगर पहला अक्षर कटता है तो समय बन जाता है, बीच वाला कटता है तो फल, और अंत कटता है तो मवाद बन जाता है। ठीक है, छठा सवाल, दो अक्षर का नाम बतलाया, शांति का प्रतीक कहलाया। दो अक्षर का ही नाम है उसका और वह शांति का प्रतीक कहलाता है। दिया राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा, इसको राष्ट्रीय वृक्ष का दर्जा इसको दिया गया है। सम्राट ने विदेशों में लगवाया जिसको, और सम्राट ने इसको विदेशों में भी लगवाया है। बहुत ही आसान से सवाल है ये। अब चलिए सातवां सवाल, दो अक्षर का नाम बताया, इसका फल सबको भाया। दो ही अक्षर का इसका भी नाम है और इसका फल सबको भाता है। सबसे ज़्यादा किस्म बताई, इसने क्या है बहुत ही सारे किस्म बताए हैं, फल में गुठली है बतलाई, और इसके फल में गुठली भी होती है। ओके, आठवां सवाल, तीन अक्षर के नाम वाला, इसका फल है काला काला। तीन अक्षर का नाम है, ठीक है, और फल इसका कैसा है, काला काला है। मधुमेह रोगी का हितैषी, मतलब मधुमेह जिसको है उस रोगी को का ये उपचार करता है। छाया होती है छत जैसी, इसकी छाया जो होती है वो एकदम बिल्कुल छत जैसी होती है, बहुत ही घना। अब चलिए नौवां सवाल, एक ऐसा वृक्ष होता जिस पर फल लगे सकल वर्ष। एक ऐसा वृक्ष होता जिस पर फल लगे सकल वर्ष, सब्जी पानी सलाद किसी में भी डालो रस। किसी भी चीज़ में इसमें इसका रस जो है डाल सकते हैं, ऐसा क्या है। दसवां सवाल, फटे हाल रहता है हरदम, द्वार द्वार तक जाए। फटेहाल रहता है और ये द्वार द्वार तक जाता भी है, चाहे कितना जतन करे यह मन चाहा ना पाए। कितना भी ये जतन कर ले लेकिन यह मन चाहा नहीं पाता है। ग्यारहवां सवाल, एक नारी के 12 बेटे, पोते हैं कुल 60। एक ऐसी नारी है जिसके 12 बेटे हैं और इसके पोते कितने हैं, 60 पोते हैं। हर पोते के 60 हैं बेटे और उन 60 जो है पोते के उन हर सॉरी उन पोते जो हैं 60 जो पोते हुए उनके 60 बेटे हैं।
नारी बिल्कुल काठ, नारी बिल्कुल काठ। ओके, बारवां सवाल, जब ये जलते हैं तो रोते हैं, जब इन्हें जलाकर सब इन्हें जलाकर खुश होते हैं, जब ये जलते हैं तो खूब रोने लगते हैं और इसको जलाते हैं सब कोई तो बहुत खुश होते हैं। तेरहवां सवाल, लंबी लकड़ी पर चढ़ा मसाला, बहुत ही लंबी लकड़ी है उस पर मसाला चढ़ा, देवता खुश उसे जलाए, देवता उसको खुश होकर जलाते हैं, सुगंधित करे घर मंदिर को, जो जाने वह कोई हमें बताए। उसका जो है उसको जब जलाते हैं तो सुगंध उसमें मंदिर की सुगंध को बढ़ाता है, या घर या मंदिर में हम उसे जलाते हैं और उसकी उससे सुगंध हमें मिलती है, तो ऐसा क्या चीज़ है बताइए। चौदहवां सवाल, धीरे से चलकर यह है आती, खिलखिलाकर हंसी बनाती, धीरे से चलकर यह आती, खिलखिलाकर हंसी बनाती, नौ है नाक पर और न कान, नौ है नाक पर और न कान, होठों पर है उसकी पहचान, न नाक पर न कान पर, होठों पर उसकी पहचान होती है, तो बताइए वो क्या है। पंद्रहवां सवाल, सीटी इसकी घर घर बाजे, खाना पके पल भर लागे, सीटी जो है इसकी घर घर बजती है और खाना पकता है बस पल भर में, मिलता सबको चावल दाल, बुझो गोपू का यह सवाल, तो बहुत आसान है भाई, आप लोग इसे मज़े से बना लेंगे। सोलहवां सवाल, 64 खानों का एक मैदान, 64 खाने हैं, ठीक है, बच्चे बूढ़े सबका रुझान, विश्व को भारत का यह दान, कहे गोपू भी सीना तान, 64 खानों का एक मैदान है, बच्चे बूढ़े सब उसमें उनका सबका रुझान है, मतलब बहुत ही पसंद करते हैं, विश्व को भारत का यह दान के रूप में मिला है, कहे बापू गोपू भी सीना तान। चलिए सत्रहवां सवाल है, खेल यह भैया बड़ा अनोखा, यह खेल जो है बड़ा ही अनोखा है, दूजे की हद में दो उसे धोखा, दूजे की हद में एक दूसरे की जो है दूजे की हद में उसे धोखा मिलता है, ताल ठोका सांस रोका, छू वापस दौड़ा, छोड़ा ना मौका। अब तो आप ही इसे समझिए, मैं इसे ज़्यादा समझाऊंगी नहीं क्योंकि यह बहुत ही आसान है। ओके, अठारहवां सवाल, हरी का द्वार खुले यहाँ, मिले गंगा की निर्मल धारा, मनसा पूरी करती देवी, दिखे साधु संतों का नज़ारा, हरी का द्वार खुले यहाँ, ठीक है, मिले गंगा की निर्मल धारा, हरी का द्वार खुलता है और गंगा की निर्मल धारा बहती है, मनसा पूरी करती देवी, अपनी उनकी मनसा जो है पूरी करती है देवी माँ, दिखे साधु संतों का नज़ारा, क्या है। उन्नीसवां सवाल, वह वृक्ष होता फलदार भी, मतलब वृक्ष बहुत ही फलदार माने फल देता है वो, इसके फल दानेदार भी, साथ में इसके जो फल होते हैं वो दानेदार होते, दाना होता उसमें, इस नाम में तीन अक्षर बताएं, इन तीन अक्षर के फल होते हैं ये, इसका शरबत भी बनाया जाए, इसका क्या होता है शरबत भी बनता है, अब ऐसा क्या है आप बताइए। अब लास्ट है बीसवां सवाल, हिमालय में मेरा निवास, फलदार हूँ मैं एकदम खास, हिमालय में यह रहता है और फलदार माने फल देता है, एकदम खास है ऐसा चीज़, मेरे नाम में दो अक्षर, पहेली बताएं साक्षर, इसके नाम के बिल्कुल दो ही अक्षर हैं, ठीक है, तो जो जानते हैं वे इसे बताएं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप ध्यान से इसे सुने देखें और अगले संडे के पहले तक इन्हें आप हमें भेज दें, कुछ जिन्हें आसानी हो रही हो या आसानी लगी हो तो आप हमें पहले भी भेज सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन संडे के पहले अर्थात सैटरडे तक मुझे मिल जाने चाहिए। तो चलिए
आज तक के लिए इतना ही, फिर हम संडे को इसका जवाब देंगे। तब तक के लिए बाय बाय।